Hirani is like, he was saying that we can't make films like what I'm doing. I can't even make one scene like what Raju Hirani does. You Correct. know, I feel what he does is a much, much greater than job than what I do. तो भाई लोग, जहां आजकल हर जगह एक्शन मूवीज का बोलबाला चल रहा है, एड्रेनलिन पे हाई मूवीज हर पॉसिबल बॉक्स ऑफिस नंबर तोड़ रही हैं इस वक्त, वहीं पर एक ऐसे फिल्म मेकर जिनकी मूवीज का सोल हीरो उनका कंटेंट और इमोशनल वैल्यू होती है, हो सकता है कि एक अच्छी मास मसाला एक्शन मूवी में से कुछ सीन्स आपको याद रह जाए या वो कैरेक्टर के कुछ ट्रेट्स, लेकिन इनकी मूवीज का इमोशन एक लंबे अरसे तक आपके साथ रहता है। मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट राजकुमार हिरानी की। मुन्ना भाई, MBBS, 3 Idiots और संजू जैसी कमाल की मूवीज जिनमें स्टार पावर स्टारडम हर चीज टेक्स बैक सीट और उनकी मूवी का इमोशन और ओवरऑल क्वालिटी इज द फ्रंट सीट ड्राइवर। एंड नाउ ही जॉइंस हैंड विद प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया मिस्टर शाहरुख खान, जिनके लिए 2023 किसी सपने से कम नहीं रहा है। पहले पठान और अब जवान, 2023 की कैलेंडर ईयर में अलोन ये बंदा 2000 करोड़ प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुका है। ऐसे में आज मैं थिएटर में देख कर आया इन दो साइनेमेटिक माइस्ट्रोस का कोलैबोरेशन जिसका नाम है डंकी। इज इट वर्थ इट, इज इट बोरिंग और इज इट कंप्लीट मैजिक? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं डंकी मूवी का विद मी टेलिंग यू व्हाट्स गुड इन इट। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक इंटरव्यू में SS राजामौली ने कहा था कि आई कांट इवन मेक वन सीन लाइक हाउ राजू हिरानी डज, एंड राइटफुली सो, क्योंकि जो इमोशन एक राजकुमार हिरानी की मूवी आप में इन्वोक करती है वो शायद ही कोई दूसरी मूवी करे, एंड डंकी इज नो डिफरेंट। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं PK देखने गया था थिएटर में, तो उस मूवी के क्लाइमेक्स ने मुझे कितना इमोशनल कर दिया था, और घर आकर मैंने खुद से यही सवाल किया था कि व्हाट इज लाइफ, और यही चीज जब आप डंकी देखोगे तो आपको रियलाइज होगी कि आखिर जिन चीजों को टेम्पररी तौर पर आप अपनी जिंदगी में प्रायोरिटाइज करते हैं, वैल्यू करते हैं, क्या लॉन्ग रन में उनकी कोई कदर है भी या नहीं। राजकुमार हिरानी सर की मूवीज एक सिंगल फिनोमेना पर चलती हैं और वो है लाइफ इटसेल्फ, और उनका ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला ना आज तक फेल नहीं हुआ है, और जब आप डंकी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो फॉर्मूला एक बार फिर बाजी मार गया है। द वे द कैरेक्टर्स आर रिटन, उनके बीच के डायनामिक्स, हार्डी के कैरेक्टर का पूरा आर्क, उसके दोस्तों के साथ उसका बॉन्ड, हर एक चीज को राजकुमार हिरानी सर ने इतनी खूबसूरती के साथ प्रेजेंट की है कि जब आप हार्डी और उसके दोस्तों का बॉन्ड इस मूवी में देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको आपके खोए हुए दोस्तों की भी याद आएगी। मैं हूं हरदयाल सिंह ढिल्लों। राजकुमार हिरानी की फिल्म मेकिंग की एक सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है कि कैसे वो नॉर्मल लाइफ में एक्सरसाइज होने वाले और मोस्टली टॉक थीम्स को अपनी मूवीज में इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि 3 Idiots में स्टडी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ओन चॉइस, और PK में द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को राजकुमार हिरानी अपनी मूवी में सटल येट इफेक्टिव तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, वो आपके साथ थिएटर से निकलने के बाद भी इंटैक्ट होते हैं। और यहाँ डंकी में उन्होंने जिस तरह से स्ट्रगल फॉर अ बेटर लाइफ और की फ्लाइट के पूरे प्रोसेस को दिखाया है, भाई मैं बता रहा हूँ कुछ कुछ सीन्स तुम्हारे रोंटे खड़े कर देंगे। और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी रिसर्च। अब मैं अपने शो से पहले डंकी डायरीज देख रहा था ताकि मैं उस थॉट प्रोसेस से फेमिलियर हो सकूं जिससे इस फिल्म को बनाया गया है, ताकि मैं मूवी के इमोशंस को और अच्छे तरीके से कैटर कर पाऊं। और उस वीडियो में जिस लेवल की डेडिकेशन और डिटेलिंग देखने को मिलती है, इट शोज कि वाई राजकुमार हिरानी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। जिस तरह से इस पूरी मूवी में उन्होंने रूलर पंजाब, द ऑब्सेशन विद गोइंग अब्रॉड, एक इंसान की सोच अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और उसके लिए वो क्या क्या पापड़ बेलता है, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को बड़े ही एफिशिएंट तरीके से आपके सामने रखा जाएगा। इमोशंस इस मूवी के बहुत हाई हैं, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड आप एक जर्नी पर निकलते हो इस मूवी के साथ, जिसको राजकुमार हिरानी सर का डिस्टिंग्विश्ड फिल्म मेकिंग स्टाइल और अभिजात जोशी का स्क्रीन प्ले एक एंगेजिंग अफेयर बनाता है। जिस तरह से ये मूवी आपको एक पूरी जर्नी दिखाती है थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हार्डी और उसके दोस्तों के, कि कैसे इस डंकी फ्लाइट की जर्नी से उनका अब्रॉड जाना, और वो अब्रॉड जाना ही क्यों चाहते थे इन द फर्स्ट प्लेस, वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर टिकने के लिए उनको जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद उनकी होम कमिंग, और फिर 25 ईयर्स के बाद कैसे हार्डी की जिंदगी के अंदर कुछ इवेंट्स टर्न होते हैं, वो सब कुछ आपको कहीं पर भी बोर या डिसएंगेज नहीं करेगा। मैं हूं हरदयाल सिंह ढिल्लों। गाने अच्छे हैं मूवी के, और जिस तरह से स्क्रीन प्ले में उनको एम्बेड किया
किया गया है, इट वर्क्स। इस मूवी का एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस मूवी की कास्टिंग। जितने भी एक्टर्स इस मूवी से एसोसिएटेड हैं, उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है, लेकिन मेरे लिए स्पेशली शाहरुख खान सर और विक्की कौशल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा स्टैंड आउट हुई है। और सच बताऊं तो विक्की और SRK की केमिस्ट्री इस मूवी में मुझे तापसी और SRK से ज्यादा अच्छी लगी है। और शाहरुख सर के तो क्या ही कहने, दिस इज वर्सेटिलिटी एट इट्स पीक। कौन कह सकता है कि ये वही शख्स है जिन्होंने इसी सेम ईयर में पठान और जवान जैसी हाई ऑक्टेन मसाला एंटरटेनर्स दी हैं, और फिर इन द सेम ईयर वो एक परफॉर्मेंस हैवी मूवी आपके लिए लेकर आ रहे हैं डंकी की शक्ल में। इस मूवी में SRK के काफी सारे ऐसे सीन्स हैं जिनको देखकर आपको विंटेज स्वदेश और चक दे इंडिया वाले एक्टर SRK की याद आएगी। मैं हूं हरदयाल सिंह ढिल्लों। एक दो चीजें थी ऐसी जो मेरे साथ उतनी सही नहीं बैठी इस मूवी को लेकर। द फर्स्ट थिंग इज SRK का पंजाबी एक्सेंट, बट दैट टू इन सम पार्ट्स, एंड आई रिपीट इन सम पार्ट्स। वैसे तो SRK ने पूरी मूवी में ब्रिलियंटली काम किया है, चाहे वो यंग एज वाला पार्ट हो या ओल्ड एज वाला पार्ट। जो पेन, जो ऑनेस्टी इस मूवी की स्क्रिप्ट डिमांड करती थी, उसी सिंसियरिटी से SRK ने इस मूवी में काम किया है। और जिस SRK द एक्टर को हम जानते हैं, वो हमें काफी टाइम के बाद बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा, लेकिन उनका वो ठेठ पंजाबी एक्सेंट हो सकता है कि मूवी के इनिशियल मोमेंट्स में आपको थोड़ा सा परेशान करे, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल साउंड फाइन एंड इट विल काइंड ऑफ ग्रो ऑन यू थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ द मूवी। और दूसरा एस्पेक्ट है इस मूवी की कॉमेडी। अब देखो, वैसे तो अगर तुम राजू सर की फिल्मोग्राफी उठाकर देखो तो उनकी मूवीज में कॉमेडी का एक सिमिलर पैटर्न होता है, जो मोस्टली इंस्टिंक्ट बेस्ड या सिचुएशनल होती है। और ऐसा नहीं है कि डंकी की कॉमेडी बेकार है, बल्कि बमन ईरानी सर के सीन्स आर सम ऑफ द हिलेरियस फ्रॉम द मूवी, लेकिन देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द मूवी जहां कॉमेडी बहुत ज्यादा जेनेरिक हो जाती है और उस तरीके से लैंड नहीं करती। लेकिन कीपिंग दैट असाइड, सच बताऊं भाई तो जाओ जाकर देखो इस मूवी को, क्योंकि ये साल एक्शन मूवीज पर इतना हैवी रहा है। कैसी स्लाइस ऑफ लाइफ, लाइट हार्टेड और इमोशनल मूवी देखकर मुझे तो पर्सनली मजा आया। और श्योरली SRK और राजकुमार हिरानी के इस मच अवेटेड कोलैबोरेशन ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया है। मैं हूं हरदयाल सिंह ढिल्लों। तेरा आज के लिए बस इतना ही। ये था मेरा एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू ऑफ डंकी मूवी। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर तुम डंकी देख चुके हो तो तुम्हें कैसी लगी। अपने ओपिनियंस कमेंट में मेरे साथ जरूर शेयर करना। कल सालार रिलीज हो रही है, उसका रिव्यू भी टाइमली आ जाएगा, तो स्टे ट्यून। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो मैं पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। Thank you.